दोस्तों, आज मेरे साथ में हैं फिल्म निर्माता हरीश पारेख। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। हरीश पारेख साहब से आज हम ये जानना चाहेंगे कि उनका जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें आजकल क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, आने वाले प्रोडक्शन क्या क्या उनके आने वाले हैं। सर, हमारी हिंदी फिल्म बन रही है नई, जो जिसका नाम है डेस्टिनी। हर एक अपने लोगों की कहानी है, हर नागरिक की कहानी है। हर हिंदुस्तान से लोग बॉम्बे आते हैं और उनके आने के बाद उनकी डेस्टिनी में क्या होता है, वो लाइफ की कहानी है, जिसमें हमारे यहाँ सब नए कलाकार हैं, कुछ लोग जो है पुराने भी हैं इसमें। मगर इस फिल्म के अंदर हम चाहते हैं कि अच्छे कलाकार जुड़े हमारे साथ। और इस फिल्म की म्यूजिक अच्छी फिल्म बनाई है हमने। आधा 40% विलेज पोर्शन था वो हमारा शूट कर चुका हूँ मैं, जिसमें अविनाश है, चांदनी चोपड़ा है, अभिषेक है और गोपाल राय है वगैरह, सब उसमें शूट कर चुका हूँ। मगर बॉम्बे पोर्शन जो है, सिटी पोर्शन, वो सब मेरा बैलेंस है, 60-70% बैलेंस रखा हुआ है। हरीश भाई, हम ये जानना चाहेंगे कि इस प्रोडक्शन में आपने कितने नामचीन कलाकारों को चांस दिया है और कितने नए कलाकारों को चांस दिया है। इसमें कुछ लोग नए हैं, अभी जो बॉम्बे पोर्शन में आएगा उसमें कुछ, मैं चाहता हूँ कि नए कलाकार को ब्रेक दूं, नया और अच्छे कलाकार। ऐसा नहीं, और फिल्म मैं बना रहा हूँ यश चोपड़ा लेवल की फिल्म, मैं ए ग्रेड पे फिल्म जा रही है, ऐसा नहीं कि मैं सी ग्रेड फिल्म बनाना चाहता हूँ। और मेरी सोच भी वही है कि मैं ए प्लस फिल्म बनाऊँ। म्यूजिक भी मैंने वैसे ही बनाया है। वो तो हमको बताया दोस्तों, हरीश भाई के बारे में हम बता दें कि हरीश भाई पिछले 15-20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत हैं और इन्होंने इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। हम चाहेंगे हरीश भाई कुछ फिल्मों के एक दो नाम बता दें आप। मैंने पहली फिल्म बनाई थी बेवफा कातिल, पहले टाइटल था बेवफा तूने क्या किया, जिसको राखी सावंत, रंजीत, गिरजाशंकर, युजवीर सिंह, मनीष वाधवा, रोहित भाटिया, इनको लेके फिल्म बनाई थी, वो 35 सिनेमास्कोप में बनाई थी। उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई, मैंने दूसर किया, जिसमें मार्केट के एक्टर थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म ज्यादा रिलीज नहीं हो पाई, दो ही सेंटर में रिलीज हुई, उसके बाद कहीं नहीं चल पाई। और आज ये है कि भी मैं जिस तीसरी फिल्म बनाने जा रहा हूँ एज ए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप एज ए डायरेक्टर आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है, आप सफल हों। और हरीश भाई, एक चलते चलते एक आखिरी सवाल जी, ये दौर बहुत बदल गया है पिछले 10 वर्ष में फिल्म इंडस्ट्री का, तो आज का दौर क्या कहता है और इसमें कितना आसान है आपके लिए काम करना? आज का डिजिटल फॉर्मेट पे आ गया हर चीज है, आज की सोच बदल गई है। आने वाले यंग जनरेशन के बारे में हर इंसान सोचता है कि आने वाला कल क्या होगा, तो मैं वही सोच को लेके चल रहा हूँ कि आने वाला कल 2018 में मेरी फिल्म रिलीज हो तो वो यंग जनरेशन के लिए फिल्म है, कि ना ही हम लोग एक मिडिल क्लास के लिए है, मगर हर आदमी की कहानी ये है कि यंग जनरेशन अपना सोचे कि हमारे बारे में क्या होगा। थैंक यू हरीश भाई, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हरीश पारेख, फिल्म निर्माता फ्रॉम मुंबई। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसको हमको जरूर बताएं। इसके लिए इंडिया आज तक लाइव यूट्यूब पर जाकर के इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।